गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आशुतोष सर। टुडे आई विल टीच यू क्लास टेंथ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, क्लास टेंथ मैथमेटिक्स में आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट को डिलीट किया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसको जो है सिलेबस डिडक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को छोड़कर बाकी जितनी चीज़ें हैं हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो टुडे आई विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर एंड न्यू चैप्टर, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट, हम लोग पहले इसका ब्रीफ साइनोप्सिस जो है जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप कुछ पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस क्लास में, 9th में आप पढ़े हैं कुछ, क्लियर। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, दो चीज़ें होती हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट होते हैं, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट किससे मिलकर बना होता है, एब्सिसा से, और किससे, ऑर्डिनेट से। किससे बना होता है, जो कोऑर्डिनेट किससे बना होता है, एब्सिसा से बना होता है और ऑर्डिनेट से। एब्सिसा क्या होता है, यक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, यक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, एब्सिसा होता है, और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो होता है वह एब्सिसा, एक पॉइंट क्या होता है एब्सिसा, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, ऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब्सिसा क्या होता है, द अब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर क्या होती है, डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, अब्सिसा होती है। ठीक है, मैं थोड़ा फिगर बना के आपको समझा दे रहा हूँ इसका, देखिए। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, तो मैं क्या बताऊँ कि यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है, एब्सिसा कहलाती है। द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, कौन डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, एब्सिसा होती है। ठीक है, और इसका सेम जो ऑर्डिनेट होता है, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए एब्सिसा यहाँ से मिल सकती है, यहाँ से भी, ठीक है, इधर ही परपेंडिकुलर हो सकता है, वाई एक्सिस सब है, यहाँ से मिल सकता है। ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, जैसे एक्स एक्सिस है तो यहाँ से परपेंडिकुलर सपोज करेंगे तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, जैसे सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 3 है, सपोज करते हैं यहाँ डिस्टेंस कितना है, 3 है, तो ये ऑर्डिनेट कितना होगा इसका, 3 होगा। ऑर्डिनेट कितना होगा इसका, 3 होगा। ठीक है, और इसमें जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक क्या 5 सपोज कर लेते हैं, क्या है, 5 है, तो इसका जो एब्सिसा कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, एब्सिसा कितना होगा इसका, 5 होगा। ठीक है, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द राइट, वन मिनट था, क्या लिखा है, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस इज पॉजिटिव एंड द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस इज निगेटिव। ठीक है, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड जो एब्सिसा होता है,
ठीक है, वो क्या होता है, नेगेटिव। लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव। राइट का मतलब देखिए, राइट का मतलब इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव। इस साइड क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ये जो यक्स क्या होता है, ठीक है, यक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो अपशिषा होता है पॉजिटिव होगा, यक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में जो अपशिषा होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड जो होता है अपशिषा क्या होता है, नेगेटिव होता है। राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है अपशिषा। द अपशिषा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो। जैसे अगर वाई एक्सिस है, यहाँ पर अपशिषा कितना पूछा है, जीरो। अगर वाई एक्सिस पे है, ठीक है, यहाँ पूछा गया वाई एक्सिस पे अपशिषा जीरो, अपशिषा जीरो। और यक्स पे आर्डिनेट क्या होता है, जीरो। अगर इस पे आर्डिनेट पूछा जाए कि यहाँ पे आर्डिनेट कितना होगा, जीरो। यहाँ पर आर्डिनेट कितना होगा, जीरो। यहाँ पर आर्डिनेट कितना होगा, जीरो। तो वाई एक्सिस पे, ठीक है, जो वाई एक्सिस पे जो अपशिषा क्या होता है, जीरो होता है, और यक्स एक्सिस पे आर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्जिन आर जीरो जीरो। जो वर्जिन कोऑर्डिनेट, वर्जिन यही होती है वर्जिन, जहाँ पे यक्स और वाई एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, इसे वर्जिन कहते हैं। और इस वर्जिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो जीरो। क्या होता है, जीरो जीरो। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है, जिसे हम सपोज कर लेते हैं ये कोई लाइन है, ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कहाँ पे है, कार्टेशियन प्लेन पे है लाइन कोई है रखी गई है। सपोज कर क्या है, पी है और ये क्या है, क्यू है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट होगा। सपोज कर इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स वन कामा वाई वन, एक्स वन वाई वन, और ये क्या है, एक्स टू और कामा वाई टू। अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस पूछी गई पी क्यू, अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस पूछी गई, तो पी क्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। दूसरी चीज़, सपोज करिए इसमें से कोई एक पॉइंट क्या है, वर्जिन है। एक पॉइंट क्या है, वर्जिन। सपोज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ है ना, सपोज कर लेते हैं कि हमको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करनी है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कामा वाई, कितना एक्स कामा वाई, और ये कितना है, जीरो जीरो है। अगर ये कोऑर्डिनेट क्या है, अगर ठीक है वर्जिन है, तो यहाँ पर जब वर्जिन होगा तो इसे क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसे क्या मानते हैं, बी, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको अगर इस तरफ फिगर बना दूँ, तो ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो कामा जीरो, बी इसे कितना है, एक्स कामा वाई। अगर इसका कोऑर्डिनेट, अगर इसकी डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे ए बी की, तो फार्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो इसको ख़त्म कर दीजिए, मतलब या तो डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए। अगर डिस्टेंस फाइंड करने, अगर एक पॉइंट क्या हो, वर्जिन पे हो, तो इसका जो होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उस समय डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किस कंडीशन में, जब एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका वर्जिन होगा। क्लियर। सम यूजफुल रिजल्ट।
इन ऑर्डर टू प्रूव दैट अ गिवन फिगर इज अ स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर शो करना है, प्रूव दैट द फोर साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल, अगर आपको दिखाना है स्क्वायर शो करना है, ठीक है। जैसे मान कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया, क्या दे दिया, कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया, अब इसको शो करना है कि आपको क्वाड्रेंट दे दिया, इसका मान लीजिए 2 3, इसका 2 -1, इसका 2 2, इसका 3 5, सब कुछ कुछ ऐसा फिगर है, और इसको स्क्वायर शो करना है, क्या शो करना है, स्क्वायर शो करना है, तो ए बी सी डी, पहले आप क्या करेंगे, ए बी नहीं फाइंड करेंगे, फिर बी सी, मतलब ए बी सी कैसे, इस फार्मूले से, यहाँ जो मतलब x1 y1 x2 y2 मान के ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, फिर इसको निकालेंगे x1 y1 x2 y2, सब ऐसे निकालेंगे, ठीक है। क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, और डायगोनल भी इक्वल आना चाहिए। जब आप सब निकाल लेंगे तो क्या फाइंड करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे, x1 y1 x2 y2, फिर क्या फाइंड करेंगे आप, बी डी फाइंड करेंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है, सब फाइंड कर लेंगे। अगर सब इक्वल आ रहा है, जैसे सब साइड इक्वल आना चाहिए, डायगोनल दोनों इक्वल आने चाहिए अलग अलग, ठीक है, तो स्क्वायर शो हो जाएगा। रोम्बस में क्या प्रूफ करेंगे आप लोग, फोर साइड आर इक्वल, ठीक है, चारों साइड अगर इक्वल है तो रोम्बस है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या शो करेंगे, प्रूफ दैट अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल आनी चाहिए डायगोनल रेक्टेंगल में, इसे सपोज कर लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया आपको, क्या दे दिया, कोई क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसका क्वाड्रेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 0 6 मान लीजिए है, ये मान लीजिए पी है, ए क्यू है, आर है, ऐसे कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, क्या शो करना है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल में क्या होती है, ये साइड इसकी इक्वल होती है और ये वाली इसकी इक्वल होती है, तो आप पी क्यू निकालेंगे, और अगर पी क्यू, ठीक है, पी क्यू जो है आर एस की इक्वल आता है और यह जो है इसके इक्वल आता है, इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल है, और क्या आपको दिखाना पड़ेगा कि ये डायगोनल इक्वल होना चाहिए, डायगोनल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, डायगोनल इक्वल होना चाहिए, तो क्या होगा, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के लिए क्या शो करेंगे आप लोग, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल प्रूव दैट इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, ठीक है, डायगोनल इससे इक्वल नहीं होते किसके, पैरेललोग्राम के। रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, रोम्बस जो होता है स्क्वायर, प्रूव दैट इट्स ऑल साइड आर इक्वल बट द डायगोनल आर नॉट इक्वल, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं और स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। हार्ट 3 पॉइंट 2 बी कुलिनियर प्रूव दैट द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू द 3rd पेयर ऑफ, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इस पॉइंट का मीन्स क्या होता है, इसमें जो होता है जिसे आपको शो करना है, मैं आपको 3 पॉइंट देता हूँ, मैं आपको पॉइंट दे दिया, मान लीजिए यहाँ है एक कोई लाइन है, ए पॉइंट ए है, ए क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है, इसका कॉर्नेट कितना है, x1 y1, इसका कितना है x2 y2, इसका कितना है x3 y3, आपको शो करना कि क्या है, कुलिनियर, कुलिनियर का मीन्स ये होता है, कुलिनियर का मीन्स होता है कि एक ही लाइन पे, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो है ए बी और सी है एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, ये हमको दिखाना है कि क्या है, एक ही लाइन पे, तो इसके लिए क्या हमको शो करना पड़ेगा, इसके लिए हमको शो करना पड़ेगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। आप ए से बी तक डिस्टेंस निकालेंगे, इसी का ये जो मैं आपको बताया हूँ पी की और ए बी डिस्टेंस फार्मूला है, किसी भी दो पॉइंट देखिए यहाँ है ना डिस्टेंस, यहाँ पे आप देखिए ये डिस्टेंस है कि नहीं, हम लोग हम पी से क्यू के तक के बीच डिस्टेंस फाइंड किए, देखिए पी क्यू
अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। इसी टाइप से पहले हम क्या निकालेंगे, ए से बी तक के बीच की डिस्टेंस फार्मूले से, फिर बी से सी तक के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वह दोनों किससे इक्वल आना चाहिए, ए सी के इक्वल आना चाहिए। अगर ए सी के इक्वल आ रहा है तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं। इसका मीन से ये हुआ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए बी और बी सी को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर वो ए सी के बराबर आता है, ठीक है, तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, और मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है, किसका फार्मूला, मिड पॉइंट का बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके पहले मैं सेक्शन फार्मूला बताता हूँ आपको, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला जैसे सपोज कर लेते हैं, यहाँ देखिए आप लोग, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वन वाई वन, इसका कितना है एक्स टू वाई टू। मान लीजिए यहाँ पे यह ए है, यह बी है, ये क्या है सी है। यहाँ पर सपोज कोई पॉइंट क्या है एक्स वाई, ये जो पॉइंट है सी, यह इन दोनों को एम वन और एम टू के रेशियो क्या करता है, डिवाइड करता है, एम वन और एम टू के रेशियो डिवाइड करता है। किस रेशियो डिवाइड करता है, एम वन और एम टू के रेशियो क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक। कौन ए सी, जो सी का मतलब एक्स और वाई, एक्स वाई जो पॉइंट हैं, यह पूरे लाइन को एम वन और एम टू के रेशियो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो उस कंडीशन में यह एक्स और वाई फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे इंटरनल डिवीज़न, इंटरनल डिवीज़न है ये, ठीक है। कौन सा डिवीज़न है, इंटरनल डिवीज़न, क्लियर। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है एक्स एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपान एम वन प्लस एम टू, ठीक है। और इसका सेकंड पॉइंट जो होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई विच डिवाइड इंटरनली द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू इन द रेशियो रेशियो एम टू, ठीक है, यही होता है। अगर दो कोऑर्डिनेट को कोई थर्ड पॉइंट इंटरनली क्या करता है, डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, तो उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। आपकी बुक में शायद बस इंटरनली है ही है, एक्सटर्नली नहीं है, ठीक है। और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला इसे कुछ पी क्यू, पी का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वन वाई वन, क्यू का एक्स टू वाई टू, सब कुछ इसका मिड पॉइंट क्या है, आर है, ठीक है, क्या है आर है। और इसको फाइंड करने के लिए, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू वाई वन प्लस वाई टू अपान टू,
ठीक है, इस अगर आर जो है पी क्यू क्या है मिड पॉइंट, आर जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला एक्स वन पहला पहले को ऐड करेंगे अपान टू, फिर सेकंड सेकंड वाले को ऐड करके अपान टू, ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला। कोई पूछे मिड पॉइंट फार्मूला क्या क्या होता है, तब बताएंगे एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू कामा वाई वन प्लस वाई टू अपान टू। ठीक है, ये है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।